हेलो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर टोटल 17 क्लासेस, इसके बाद प्रोबेबिलिटी के अंदर 15 क्लासेस। आज हम आपको करा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट वन है, इसके अंदर क्लास 10th चैप्टर 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा किसके लिए, क्लास 10th के लिए तो है ही, एनडीए, एक्स ग्रुप, नेवी, एसएसआर, डबल ए, एसएससी, दिल्ली पुलिस, आर्मी टेक्निकल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में लगभग एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के अंदर हम जीरो टू हाई लेवल करवाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th, इसके बाद क्लास 11 करवाएंगे और फिर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एंड एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसको करवाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 5.1 के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें ये जानना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो कह रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. मतलब हमें कह रहा है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर, मतलब नंबर का ऐसा लिस्ट है, नंबर की ऐसी श्रृंखला है जिसके अंदर हर अगला टर्म पहले टर्म में कुछ नंबर को ऐड करके बन रहा है या कुछ नंबर को सेपरेट करके बनाया जा रहा है। तो ऐसा कोई सीरीज हो या ऐसा कोई नंबर का श्रृंखला हो, लिस्टिंग ऑफ नंबर हो, जिसमें हर नेक्स्ट वाला जो है पहले वाले में ऐड करके बनाया गया, ऐसे सीरीज को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जो फिक्स नंबर हमारा इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, एंड जो पहला नंबर होगा उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इट इज जनरली डिनोटेड बाय डी, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, और इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है, मतलब करा है कि हमें एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें हर अगला टर्म पहले टर्म में समथिंग ऐड करके बनाया जाएगा, जो आप ऐड करोगे उसको डिनोट किया जाता है डी से, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो आपने देखा एग्जाम्पल से क्लियर होगा हमारा। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। आप देखोगे 2, 4, 6, 10 इज इन एपी। क्यों एपी है, तो ए टू यानी ये फर्स्ट टर्म ए वन, सेकेंड टर्म ए टू, थर्ड टर्म ए थ्री, फोर्थ टर्म ए फोर, फिफ्थ हो गया ए फाइव एंड सो। अगर हम ए टू माइनस ए वन फाइंड करेंगे तो 4 - 2, 2 आ जाएगा। ए थ्री माइनस ए टू फाइंड करेंगे 6 - 4, 2 आ जाएगा। ए फोर माइनस ए थ्री फाइंड करेंगे 8 - 6, 2 आ जाएगा। ए फाइव माइनस ए फोर फाइंड करेंगे 10 - 8, 2 आ जाएगा। तो आपने देखा सारे का डिफरेंस सेम है, इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो ऐसा लिस्टिंग ऑफ नंबर होगा, ऐसे नंबर्स का श्रृंखला होगा, सीरीज होगा, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी का मतलब है जैसे आपने फर्स्ट टर्म ए है, नेक्स्ट हो जाएगा ए प्लस डी, अगला हो जाएगा ए प्लस टू डी, नेक्स्ट हो जाएगा ए प्लस थ्री, इसी तरह से सब में डी एड होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में हम जानना चाहते हैं फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या है, तो कह रहा है एपी हैविंग द फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म। कोई भी एपी ऐसा एपी होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से आप देखेंगे फोर्थ पॉइंट में इनफाइनाइट एपी। कह रहा एपी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। हमें कह रहा है कि ऐसा एपी होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अप टू कहां जाएगा कोई आपको पता नहीं, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। बस यही मेन चार पॉइंट है, इसी के ऊपर आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे आपने देखा पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2,
माइनस थ्री बाई टू राइट द फर्स्ट ऑफ ए एंड कॉमन डिफरेंस। आपसे पूछा गया है कि ये ए पी है, इसका बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म, ये हो जाएगा आपका थ्री वाई, कॉमन डिफरेंस मतलब है सेकेंड माइनस वाई, हाफ माइनस थ्री वाई, ये आ जाएगा आपका माइनस टू बाई टू, डेट इज माइनस वन। तो आपका राइट आंसर आ गया ए थ्री बाई टू एंड डी माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, जैसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, कह रहा है ये जो नंबर नीचे दिए गए हैं दो क्वेश्चन बता रहा है, बताइए इसमें कौन एपी बना रहा है। इफ दे फॉर्म एपी राइट नेक्स्ट टू, अगर ये एपी है अगले दो टर्म को आप बताइए कि इसका नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होगा। तो आपने देखा पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, फोर टेन सिक्सटीन ट्वेंटी टू। तो पहला काम आपका है कि आप देखिए एपी में है या नहीं, ए टू माइनस ए वन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, टेन माइनस फोर सिक्स, ए थ्री माइनस ए टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज सिक्सटीन माइनस टेन सिक्स, ए फोर माइनस ए थ्री फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म ट्वेंटी टू माइनस सिक्सटीन दैट इज। तो आपने देखा कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज इन एपी, ये एपी है। अगर ये एपी है तो अगले दो टर्म्स आपको बताए, तो आपके पास टर्म कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म फाइंड करना, तो ए फिफ्थ फाइव हो जाएगा आपका ए फोर थ्री, चौथे में आप डी को ऐड करो, चौथा ट्वेंटी टू है प्लस में सिक्स आपका डी है ट्वेंटी एट, ए सिक्स निकालना है ए फाइव प्लस डी ट्वेंटी एट प्लस सिक्स आपका आ गया थर्टी फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है वन 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 टू 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 और थ्री थ्री, ये दिया गया है कोई सी कह रहा बताओ ये ए पी है या नहीं। आपने देखा ए टू माइनस ए वन यानी वन माइनस वन, ए थ्री माइनस ए टू वन माइनस वन जीरो, ए फोर माइनस ए थ्री वन, जैसे ही आपने देखा कि ए फोर माइनस ए थ्री वन आ गया, इसका मतलब है कि आपका डिफरेंस आ गया, पहले दो का जीरो आया है अब वन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस इन नॉट सेम, लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इन नॉट सेम सो इट इज नॉट इन एपी। ये था हमारा पहला एग्जांपल। अब देखो नेक्स्ट दूसरे में आप चेक करते हैं क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। अब ये कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर दो से लिया हमें, हमें कह रहा है कि राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ ए, एपी के पहले चार टर्म बताइए जबकि आपको फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए वन ए यानी आपका टेन दे रखा है और डी आपके पास टेन है, ए टू क्या होगा ए वन प्लस डी टेन प्लस टेन ट्वेंटी, ए थ्री क्या होगा ए टू प्लस डी ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी, ए फोर क्या होगा ए थ्री प्लस डी थर्टी प्लस टेन फोर्टी, ए फाइव क्या होगा ए फोर प्लस डी फोर्टी प्लस टेन फिफ्टी, आपका राइट आंसर है। अगर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है सेकेंड का थर्ड, क्या इसमें ए दे रखा है आपको फोर डी दे रखा है माइनस, डेट मीन्स ए वन ए हो गया आपका फोर, ए टू ए वन प्लस डी फोर प्लस माइनस थ्री यानी फोर माइनस थ्री वन हो जाएगा, ए थ्री आप लोगे ए टू प्लस डी वन प्लस में क्या आ जाएगा माइनस का थ्री, ये आ जाएगा माइनस टू, ए फोर आप लोगे ए थ्री प्लस डी माइनस का टू प्लस में माइनस थ्री तो माइनस का पांच आ गया। तो आपने चार टर्म्स बता दिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरह से फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो आपको दिया गया है पहला ए वन दे रखा है आपको ए वन ए यानी दे रखा है माइनस का वन और डी की वैल्यू है हाफ, ए टू निकालोगे ए वन प्लस डी माइनस वन प्लस हाफ एलसीएम लोगे टू आ जाएगा माइनस टू प्लस में वन माइनस हाफ आ गया, फिर ए थ्री निकालोगे ए टू प्लस डी ए टू आपका माइनस हाफ है प्लस हाफ जीरो आ जाएगा, ए फोर निकालोगे ए थ्री प्लस डी जीरो प्लस हाफ हाफ आ जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ में आप देखेंगे ए वन ए दे रखा है आपका माइनस का वन पॉइंट वन, डी दे रखा है माइनस का जीरो पॉइंट टू, ए टू की बात करोगे ए वन प्लस माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस जी माइनस का जीरो पॉइंट टू फाइव, प्लस माइनस माइनस दोनों को ऐड करो निशान हो जाएगा माइनस का वन पॉइंट फाइव, ए थ्री की बात करेंगे तो ये आ जाएगा ए टू प्लस में डी, ए टू हो गया माइनस का वन पॉइंट फाइव जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, तो माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो प्लस माइनस माइनस आ गया जीरो पॉइंट टू फाइव, यह आ जाएगा माइनस का वन पॉइंट सेवन फाइव। इसी तरह से ए फोर है ए थ्री प्लस डी माइनस का वन पॉइंट सेवन
फाइव और प्लस में आ जाएगा आपका माइनस का 0.25, माइनस 1.75 माइनस 0.25 ये आ जाएगा माइनस 2। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिविजर। एपी दे रखा है और आपको कह रहा है बताइए कि पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर हम पहले एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन का 3 है, 1 है, माइनस 1 माइनस, ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म 3, बी आपका हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट 1 माइनस 3 माइनस, तो आपका आंसर आ गया ए 3 बी माइनस 2। इसी तरह के थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ए 1/3 हो जाएगा, डी होगा आपका 5/3 माइनस 1/3 यानी 4/3। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें ए 0.6 है, डी 1. डी हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 तो आ जाएगा आपका 1.1। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, आपको बताना है कि इनमें से कौन एपी है। If they form an AP, find common difference and write three more terms. अगर वो AP है तो common difference बताइए और उसके अगले three terms भी बताइए। इसमें हमने कई question लिए हैं जो हमें लगा है कि इसमें आपके लिए trouble आ सकता है, थोड़े से difficult है, उन क्वेश्चनों को भी अगर ये क्वेश्चन आप बना लोगे तो फोर्थ के लगभग सारे पार्ट बन, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आपसे इजीली बन जाएंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान दो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2, 4, 8, 16, तो ये आ जाएगा ए 2 माइनस ए 1 आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ए 3 माइनस ए 2 ये आ जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। इट इज नॉट इन एपी क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ए 2 माइनस ए 1 5/2 माइनस 2 ये आ जाएगा 2/5 माइनस 4 ये आ जाएगा आपका 1/2, ए 3 माइनस में ए 2 3 माइनस 5/2 ए 2 आ जाएगा 6-5 1/2, ए 4 माइनस ए 3 आपका आएगा 7/2 माइनस 3, तो 2 आ गया आपका एलसीएम 7 माइनस 6 हाफ। तो आपने देखा सारे का कॉमन डिफरेंस हाफ आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज इन एपी। ये क्या है एपी में, अगर ये एपी में, अब आपको क्या बताया गया कि अगर ये एपी है तो अगले टर्म्स बताने, आपके पास टोटल टर्म्स 4 थे तो फिफ्थ टर्म की अगर हम बात करें तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा आपका, फिफ्थ टर्म की अगर हम बात करें तो ए फाइव हो जाएगा हमारा ए 4 प्लस डी 7/2 प्लस में आ जाएगा हाफ 8/2 4 हो जाएगा। इसी तरह से ए 6 है, ए 5 प्लस में डी आ जाएगा तो 4 प्लस में हाफ ये आ जाएगा 2, 8 प्लस 1 9/2। अगर हम देखें ए 7 तो ए 6 प्लस डी 9/2 प्लस हाफ 10/2 5 आ जाएगा। ए 8 की बात करें तो ए 7 प्लस डी 5 प्लस हाफ आ जाएगा 2, 5 2 10 प्लस 1 11/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में भी आपको देखना है ए 2 माइनस ए 1 माइनस 3.2 माइनस में आ जाएगा माइनस का 1.2, तो माइनस 3.2 प्लस में आ जाएगा माइनस का 1.2, माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करके निशान हो जाएगा बड़े का यानी माइनस 2 आ गया। फिर आप देखोगे ए 3 माइनस ए 2 माइनस 5.2 माइनस में फिर माइनस का 3.2, माइनस माइनस प्लस होगा माइनस 5.2 और प्लस में आ जाएगा 3.2 ये आ जाएगा आपका माइनस का 2। क्यों हुआ ऐसा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, पहले तो सिंपल घटाओ 2 में से 2 गया 0 2 आ गया, बड़ा आपका निगेटिव है तो ये निगेटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ए 4 माइनस ए 3 माइनस का 7.2 और माइनस में जाएगा माइनस का 5.2, माइनस माइनस प्लस होता है माइनस का 7.2 प्लस में आ जाएगा 5.2, तो 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा माइनस का 2, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज इन एपी। अगर ये एपी है तो ए 5 निकालोगे, ए 4 प्लस डी माइनस 7.2 प्लस में माइनस का 2, दोनों निगेटिव है तो माइनस 7.2 माइनस 2 आ जाएगा माइनस का 9.2। इसी तरह से आप देखोगे ए 6, ए 6 में क्या है ए 5 प्लस डी माइनस 9.2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस ये निगेटिव होगा 11.2 आ जाएगा। ए 7 देखोगे ए 6 प्लस डी है माइनस 11.2 प्लस माइनस का 2 तो माइनस 11.2 माइनस 2 ये आ जाएगा आपका माइनस का 13.2।
इसी तरह ए एट ए सेवन प्लस डी माइनस का 13.2 प्लस माइनस 2 दिया जाएगा, माइनस का ऐड करोगे दिया है माइनस का 15.2। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, फिफ्थ पार्ट हमारा है, काफी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, 3 है, 3 प्लस 2 रूट 2 है और इसके बाद आपको 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस में 3 रूट 2। तो आप देखोगे ए टू माइनस ए वन 3 प्लस रूट 2 आ गया और माइनस में 3, 3 कैंसिल रूट 2 आ जाएगा। ए 3 माइनस ए 2 करोगे, ए 3 आपका 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस में 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3, 3 कैंसिल होगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2 आ जाएगा। ए फोर माइनस ए थ्री, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस में 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का 3 माइनस 2 रूट, कट किया जाएगा रूट 2। तो आप ए 5 निकालना है, ए 4 प्लस डी 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस में रूट, ये आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 रूट 2 3 प्लस 4। इसी तरह ए 6 आ जाएगा, ए 5 प्लस डी 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 3 प्लस में 5। ए 7 हो जाएगा, ए 6 प्लस डी 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, यानी ये आ जाएगा 3 प्लस में 6 रूट 2। इसी तरह 8 है, ए 7 प्लस डी 3 प्लस 6 रूट 2 प्लस रूट 2 3 प्लस 7 रूट 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट। 6 पार्ट में चेक करें तो आपने देखा ये दिया हुआ 0.2 0.22 0.22 3 टाइम 0.22 4 टाइम। आपको पता करना है कि ये एपी है या अगर ये एपी है तो अगले टर्म्स बता। एपी फाइंड करने का तरीका आप सीख चुके हो, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड एंड सो ऑन। सबसे पहला काम है ए टू माइनस ए वन, ये आ जाएगा 0.22 माइनस 0.2 0.22 माइनस 0.20 लिख दिया। इसको सेपरेट करोगे, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, 2 में से 0 गया 2 0.0। अगला आपने देखा ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री क्या है 0.3 टाइम 2 माइनस 0.2 टाइम 2, तो इसमें दो ही डिजिट है, 0 लगा दो, सबट्रैक्ट करोगे 2 में से 0 गया 2 2 माइनस 2 0 0 0 0 2। आपने क्या देखा, पहला 0.02 और ये आ गया 0.00, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस इन नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन एपी। इसी तरह से 11th पार्ट में देखोगे a दे रखा है, a स्क्वायर है, a क्यूब है और a 4 है। अगर आप इसमें निकालेंगे a 2 माइनस a 1 सेकेंड माइनस फर्स्ट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में से a घटाओगे a स्क्वायर माइनस a ही मिलेगा, a 3 माइनस a 2 a क्यूब माइनस a स्क्वायर यही मिलेगा। क्या देखा आपने, दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन एपी। 12th पार्ट को ध्यान दो, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान देना है। क्या कह रहा है, रूट 2 है, ये रूट 8 है, रूट 18 है और रूट 32। कह रहा है फाइंड करो ये एपी है या नहीं, अगर एपी है तो अगले टर्म बताओ। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे एपी है या नहीं, तो क्या किया हमने, ए टू माइनस ए वन रूट 8 माइनस रूट, रूट 8 को क्या लिख सकते हो 2 माइनस रूट, दो तीन बार है, एक दो का बदला बार आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ये रूट 2 आ जाएगा। फिर ए थ्री माइनस ए टू करोगे रूट 18 माइनस रूट 8, 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस में 2 इंटू 2 आ जाएगा, तो 3 रूट 2 आ गया माइनस में 2 रूट 2 ए रूट 2 बचे। ए फोर माइनस ए थ्री करोगे रूट के अंदर 32 माइनस रूट 18, 32 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और माइनस में आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, इसको ये निकल जाएगा 2 2 जाओ 4 रूट 2 माइनस में आ जाएगा 3 रूट 2, आपको रूट 2 बचेगा। ये कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, सो इट इज इन एपी। आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए, तरीका सेम है, ए 5 निकालना है, ए 4 प्लस डी रूट 32 प्लस रूट 2, रूट 32 को क्या करोगे ऐड करने के लिए पहले उसको लाइक टर्म्स में बनाना है, इसको ब्रेक करो 32 को, 4 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हो, 4 जा 16 जा 32 प्लस रूट 2, 4 दो बार है 12 आ जाएगा 4 रूट 2, अभी ऐड होना आसान है, ये भी रूट 2 ये 4 रूट 2 है 5 रूट 2 आ गया, 5 रूट 2 लिख दिया। आप देखोगे कि आपके ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है या पूरे पे स्क्वायर रूट पूरे पे रूट रहेगा, तो रूट के लिए जो बाहर है स्क्वायर रूट में अंदर में स्क्वायर आ जाएगा, तो अंदर 5 को अंदर ले जाओगे 2 इंटू 5 का स्क्वायर आएगा 2 इंटू 25, ये रूट 50 आ गया, बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से ए 6 है, ए 5 प्लस डी रूट 50 प्लस रूट 2, 50 को ब्रेक करोगे 5 इंटू 5 इंटू 2 5 5 जा 25 तो जा 50 आ जाएगा प्लस में रूट 2,
फाइव का निकल जाएगा बाहर, फाइव रूट टू प्लस रूट टू, इसको क्या लिख सकते हो, सिक्स रूट, सिक्स रूट टू को रूट के अंदर ले जाना है, तो रूट टू रूट के अंदर टू इंटू में सिक्स का स्क्वायर आ जाएगा, टू इंटू में 36, रूट अंडर 72। इसी तरह से ए सेवन है, ए सेवन को आप लिख सकते हो ए सिक्स प्लस में रूट बहत्तर प्लस में रूट टू आ जाएगा, सिक्स इंटू टू ये आ जाएगा सिक्स रूट टू प्लस रूट टू सेवन रूट, सेवन को अंदर ले जाओगे टू इंटू में आ जाएगा सेवन का स्क्वायर, टू इंटू में 49 यानी रूट अंडर 98 आ गया। फिर ए एट निकालना है, ए सेवन प्लस डी आ जाएगा रूट 98 प्लस रूट टू, 98 को लिख सकते हो टू इंटू सेवन इंटू सेवन प्लस रूट टू, सेवन रूट टू प्लस रूट टू एट रूट, एट रूट टू को लिख सकते हो रूट के अंदर टू इंटू एट का स्क्वायर दिया जाएगा टू इंटू 64 रूट अंडर 128। यही आपका राइट आंसर है। 13 पार्ट की अगर हम बात करें, 13 में दे रखा आपको रूट थ्री रूट सिक्स रूट नाइन रूट ट्वेल्व, आपको चेक करना है ये ए पी में है या नहीं है। तो अगर आप देखोगे पहले ए टू माइनस ए वन रूट सिक्स माइनस रूट थ्री, रूट सिक्स को ब्रेक नहीं कर सकते, टू इंटू थ्री कोई बाहर नहीं निकलेगा, सेम रहेगा। ए थ्री माइनस ए टू रूट नाइन माइनस रूट थ्री, रूट नाइन को आप ले सकते हो थ्री इंटू थ्री, थ्री आ जाएगा, थ्री माइनस रूट थ्री में से रूट थ्री कभी घटेगा नहीं, इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन ए पी। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट है इसका, वन का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर और सेवन का स्क्वायर 73 है। तो आप निकालोगे पहले ए टू माइनस ए वन, फाइव का स्क्वायर माइनस वन, 25 माइनस वन 24 आ जाएगा, ए थ्री माइनस ए टू, सेवन का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर 49 माइनस 25 ये 24 आ जाएगा, ए फोर माइनस ए थ्री, 73 माइनस सेवन का स्क्वायर 24। क्या देखा आपने, सारे का डिफरेंस सेम है, सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज इन एपी। अगर ये एपी है तो अगले टर्म चाहिए आपको, तो आप निकालिए ए फाइव ए फोर प्लस डी, 73 प्लस 24 ये आ जाएगा 97, ए सिक्स निकालना है, ए फाइव प्लस डी 97 प्लस 24 121, ए सेवन निकालना है, ए सिक्स प्लस डी 121 प्लस 24 145, ए एट निकालना है, ए सेवन प्लस डी 145 प्लस 24 169। तो ये था हमारा 5.1 के सारे क्वेश्चन। तो आपने देखा कि हमने जितने भी बेसिक पॉइंट बताए थे, इसमें केवल चार बेसिक पॉइंट बताया था, सारे के सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ट पर ये सारे क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से बना लेते हैं तो सारे का सारा एपी का जो 5.1 है, जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं, वो सारे क्वेश्चन को बनाने के बाद एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है, कोई और अदर कोई जनरल कोई एग्जाम्स है, उसमें भी एपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए बुक से बनाना कोई जरूरी नहीं है। जितना क्वेश्चन हमने करा दिया, हर टाइप के क्वेश्चन आपको हमने कराए, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इनका अगला से दूसरा आएगा उसको देखना। जो बच्चे एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी यहीं तक जितना भी पॉइंट्स बताया, बुक से करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन हम इसमें कराए हैं, बस इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ लेना है, ये सारे मॉडल क्वेश्चन है। इसी तरह के नेक्स्ट सीरीज आएगी, हम टोटल स्टार्ट कर रहे हैं, 10th का पूरा कराएंगे, 11th के पूरे कराने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, और आपका तब तक आपका कंसेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन को, अगर एपी का क्वेश्चन कहीं भी होगा, आप उसको बना सकते हो। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया, कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, और हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।